सब स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी हिंदी कक्षा का जो विषय है वो है अनुच्छेद के ऊपर। जैसे कि अब आप बड़े हो गए हो ना, तो हिंदी में अब आपको अनुच्छेद पे कुछ, जैसे कोई टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर हमने पंक्तियां लिखनी होती हैं। तो आज के हमारे अनुच्छेद का विषय है पेड़। पेड़ जैसे कि नाम से ही परिचित है, पेड़ पेड़ कैसी होती है, पेड़ हरे भरे होती हैं और पेड़ हमें छाया देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, ताजी हवा देती हैं। तो इन सब विचारों को इकट्ठा करके हम इनको एक पंक्तियों के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहली जो हम पंक्ति लिखेंगे वो ये लिखेंगे, पेड़ हमारे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चे? क्योंकि अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा, हम लोग क्या ये जी सकते हैं? नहीं हम जी सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन हवा ही नहीं मिलेगी। तो पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम हैं बोलती है तो हमारे नाक से आवाज आती है, तो यहां पर क्या आएगी, अ मात्रा बिंदी है। सेकेंड लाइन पे हम लिखेंगे पेड़ हमें, जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम लिखेंगे पेड़ हमें छाया देती है। जब हम मार्केट जाते हैं, धूप इतनी होती है तो हमें, हम बोलते हैं ना कहीं छाया मिले, हम वहां पे दो मिनट के लिए बैठ जाएं, बोलते हैं ना हम लोग, तो हमें कितना तब आराम मिलता है। तो पेड़ ना हो तो क्या हम गर्मी में ही मर जाए। पेड़ हमें छाया देते हैं। आप देखना इसमें सभी में है ही, हर पंक्ति में है आएगा, है पेड़ हमें छाया देते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा क्या पंक्ति हो सकती तीसरी, पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं। आप देखते जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं तो उस समय फ्रेश एयर होती है। पेड़ हमें ताजी, और देखो ज के पैर में हल्का सा डॉट आएगा जो ज को संबोधित करता है। पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं, हमें फ्रेश एयर मिलती है जिससे हमारे अंदर ताजी हवा जाती है हमारे फेफड़ों में। पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं। और पेड़ हमें बच्चे क्या देते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं। देते हैं ना पेड़ों पर कितने सुंदर सुंदर फूल फल लगे होते हैं ना, कहीं गुलाब का लगा होता है, कहीं कोई लगा होता है फूल, और उसके ऊपर फल भी लगे होते हैं, सेब केले आम। तो पेड़ हमें फल फूल फल और फूल देते हैं। क्या देते हैं, फल और फूल देते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं देते हैं। यहाँ पे भी लास्ट में वैसे ही आ रहा है, उसके बाद लाई जाती है। पेड़ हमें और क्या देते हैं, सब्जियां देते हैं। क्या देते हैं, पेड़ हमें सब्जियां देते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स देते हैं। देते हैं ना हमें सब्जियां, किसी पेड़ पे कुछ लगा होता है, कहीं कुछ लगा होता है, पेड़ हमें सब्जियां देते हैं। और पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें और बहुत सारी चीजें देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो पेड़ हमें देते हैं, क्या देते हैं, पेड़ हमें दवाइयां देते हैं। बहुत सारी हर्ब्स वाले भी पेड़ होते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं। आपको पता है हनुमान जी कितना बड़ा संजीवनी का उठा के ले आए थे, पूरे का पूरा एक लक्ष्मण जी को जब तीर लगा था, तो पेड़ हमें दवाइयां देते हैं। क्या देते हैं, दवाइयां, पेड़ हमें दवाइयां देते हैं। तो इतने सारे पेड़ हमें इतनी सारी चीजें देते हैं, तो क्या हमें पेड़ काटने चाहिए कि हमें और लगाने चाहिए? तो हमें पेड़ लगा
होनी चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। आपको पता है ना हमारे स्कूल में बर्थडे पे सब बच्चे जिसका बर्थडे होता है वो एक ना एक पौधा लेके आता है और स्कूल में उसको लगाता है, लगाते इसीलिए लगाते हैं। हमारे स्कूल में कितनी तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको देख के हमें खुशी होती है ना कि ये पौधा मैंने लगाया था आज ये कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़